हेलो एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू सो माय नेम इज मोनिका गौतम स्वागत है आप सभी का अडर ट्वेंटी फोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को और जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा आज का हमारे इस सेशन में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल जब से ये पूरा की पूरा यूक्रेन और रशिया के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है आए दिन हम लोग जो है सुन रहे हैं कि आज जो है रशिया ने इस जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है ट्रायल लिया हर दिन हम न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं दैट इंडिया भी कितना ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर रहा है फिर चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में हो या वो जो है हमारा क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में हो डिटेल से समझेंगे दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल कैसे जो है हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथन हुई है इन दोनों मिसाइल्स को जो है आने के बाद से लेट्स स्टार्ट आर सेशन आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जल्दी से एक बार इस क्लास का लिंक अपने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे बिकॉज आज का सेशन हर किसी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को एंड uh, जैसा कि अभी हमने रिसेंटली लास्ट वीक जो है देखा दैट रशिया के अंदर रशियन फोर्सेस ने जो है लार्ज स्केल पर एक जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रायल किया था दिस इज द फुटेज दैट यू ऑल कैन सी जो कि रशिया ने रिलीज किया था जब उनका इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है उन्होंने प्रशिक्षण किया था हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट एक्चुअली इज दिस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कितना ज्यादा हार्मफुल है कितना ज्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डिटेल से समझेंगे वेरी गुड आफ्टरनून एवरी वेरी गुड आफ्टरनून आई वुड लाइक टू रियली वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन थैंक यू सो मच चलिए भाई अब जो है डिटेल से समझेंगे कि रशिया ने जो ये बैलिस्टिक मिसाइल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है ट्रायल किया था इसकी वजह से जो हमने देखा था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जो है बेसिकली एक मैसेज गया था कि रशिया जो है इसके बाद हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल कर दे न्यूक्लियर वेपन्स किस तरीके से वर्क करते हैं क्या होता है हाइड्रोजन बॉम्ब ये सारी चीजें समझेंगे अपने अपकमिंग सेशन में बट आज के सेशन में हमारा फोकस रहेगा अबाउट दीज डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल्स सबसे पहला जानना समझना यह जरूरी है भाई तो मिसाइल एक्चुअली होता क्या है? बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल पर आने से पहले समझते हैं okay. तो पहली चीज़ तो मिसाइल जो है कोई भी एक ऐसा टारगेटेड वेपन होता है मिसाइल जो है कोई भी एक ऐसा टारगेटेड वेपन होता है जिसको हम इंटेंशनली जो है लॉन्च करते हैं जिसको हम जानबूझकर लॉन्च करते हैं अपने टारगेट को हिट करने के लिए जो भी हमारा टारगेट हो जहाँ पर भी हमारा टारगेट हो इट कुड बी इन द एयर हवा में हो सकता है धरती पर हो सकता है पानी के नीचे हो सकता है जहाँ भी हमारा टारगेट है हमारा एनिमी है जिसको हम हिट करना चाहते हैं मिसाइल को जो है लॉन्च किया जाता है उस टारगेट तक जो है एक गाइडेड मैनर में अब ये गाइडेड का मतलब क्या होता है गाइडेड का मतलब होता है हम जो है उसमें पहले से ही लॉन्च करने से पहले जो है लोकेशन मार्क करते हैं कि एग्जैक्टली exactly हमें लॉन्च हिट जो है करना किस पर्टिकुलर एरिया पर है एग्जैक्टली exactly हमें जो है किसको हिट करना है इन सारी चीजों को जो है हम पहले से ही सेट uh, करते हैं और उसके बाद अपने मिसाइल को जो है लॉन्च किया जाता है बट सबसे बड़ी चीज है दैट बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अब फर्क क्या है सो अ मिसाइल इज अ गाइडेड रॉकेट जो कि एयरबोर्न हो सकती है जो कि रे एक रेंज वेपन होता है एक हथियार होता है एक वेपन होता है जिसके अंदर शक्ति होती है जिसके अंदर पावर होती है कि वो जो है अपने हमारे जिस भी हमें आ, एनिमी को हिट करना है वहाँ डायरेक्टली जाकर हिट करता है बट यहां से दो चीज़ें निकल के आती हैं यहाँ आप देख सकते हैं ये मिसाइल जो है या तो ये जेट इंजन पर वर्क करता है या जो मिसाइल है वो रॉकेट मोटर पर वर्क करता है तो अगली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ट ये जेट टेक्नोलॉजी और रॉकेट इंजन में फर्क क्या है कुछ मिसाइल्स हैं जो कि रॉकेट इंजन से चलती हैं और कुछ मिसाइल्स हैं जो कि जेट टेक्नोलॉजी से वर्क करती हैं तो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल को समझने से पहले हम जो है रॉकेट और जेट का जो है मेजर डिफरेंस समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है रॉकेट और जेट के डिफरेंस को समझने के लिए मैं आप सभी का ध्यान जो है इस पर्टिकुलर जो है इमेज पर डालना चाहूंगी इस पिक्चर को आप सभी ऑब्जर्व करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ एक डाइवर है यानी कि कोई गोताखोर है ये जब पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर जाने के लिए इन्होंने जो है कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव गियर्स लिए हैं इन्होंने ऑक्सीजन भाई पानी के नीचे जाएंगे जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है ना तो वो सांस कहाँ से मिलेगी वाटर के नीचे तो है नहीं ऑक्सीजन तो ये जो डाइवर है ये अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके कैरी कर रहे हैं जब ये जो है पानी के नीचे जा रहा है अब एक और जो है यहां पर एग्जाम्पल है आप जो है एक और आप यहां पर एग्जाम्पल देखेंगे ये जो एक पर्सन है ये बिना जो है हेल्प के किसी बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के डायरेक्टली पानी के अंदर जो है आ, डाइव करने वाला है तो एक ऐसा पर्सन है एक ऐसा गोताखोर है जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है जिसके पास कोई भी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है प्रोटेक्टिव मास्क नहीं है ओके अब एक ऐसा पर्सन है जो कि पानी के नीचे जाता है तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेकर कैरी करता है ओके ये क्या करता है ये साथ लेकर कैरी करता है अब दोनों में फर्क क्या है आप लोग जो है खुद से सोचेंगे आप लोग खुद से बताएंगे जिस पर्टिकुलर डाइवर के पास अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है बहुत ऑब्वियस बात है ये ज्यादा गहराई में जा सकता है पानी के ये ज्यादा देर तक जो है समुद्र के नीचे या पानी के नीचे रह सकता है क्यों भाई इसके पास अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है है ना इसे बार बार जो ऊपर नहीं आना पड़ेगा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन को लेने के लिए बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ये जो गोताखोर है अगर इसको पानी के नीचे ज्यादा गहराई तक जो है ना तो ये जा पाएगा और ना ही ज्यादा टाइम तक जो है सर्वाइव कर पाएगा ये वाटर के अंडर बार बार ऑक्सीजन लेने के लिए जो है एटमोसफेयर से ऑक्सीजन ली जाएगी और बार बार पानी के जो है बाहर आना पड़ेगा बाहर आएगा ऑक्सीजन लेगा फिर जो है पानी के अंदर जाएगा बट ये जो पर्टिकुलर डाइवर है क्योंकि इसके पास अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है ये इजीली ज्यादा डेप्थ तक और ज्यादा टाइम तक सस्टेन कर सकता है पानी के अंदर क्लियर एवरी वन तो अब जो है इससे आपको क्या पता चला जस्ट इसका रिवर्स कर दीजिए ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ये है एग्जाम्पल आपका जेट बेस्ड टेक्नोलॉजी का ये किसका एग्जाम्पल है जेट का यानी कि जब हमारे जेट इंजन चलते हैं तो ये अपना ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं करते इनको जो ऑक्सीजन चाहिए चलने के लिए कंबशन के लिए वो कहाँ से मिलता है वो एटमोसफेयर से सक इन करते हैं और जो है हवा में सीधे चलते जाते हैं बट ऑन दी अदर हैंड जो हमारा ये वाला डाइवर था ये एग्जाम्पल है रॉकेट टेक्नोलॉजी का जो आपकी रॉकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है वो किस तरीके से वर्क करती है ये जब हवा में उड़ती है जब हम इसे लॉन्च करते हैं तो होता क्या है ये अपना ऑक्सीडाइजर साथ कैरी करती है क्योंकि ऑक्सीडाइजर साथ कैरी करती है और फ्यूल इनके पास होता ही है इनका जो है प्रोपरलेंट साथ कैरी करते हैं फ्यूल और जब ऑक्सीडाइजर मिलता है तो कंबशन होती है एंड बिकॉज ऑफ कंबशन जैसे ही आग लगती है तो होता क्या है एक अपथ्रस्ट क्रिएट होता है और जैसे ही वो अपथ्रस्ट क्रिएट हुआ हमारा रॉकेट या हमारा जेट जो है लॉन्च हो जाता है क्लियर एवरीवन तो एक एग्जांपल है आपका रॉकेट का जो कि अपने ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर को धरती से कैरी करके चलता है एक आपका जेट का एग्जाम्पल है जो ऑक्सीजन को एटमोसफेयर से सक इन करता है सिर्फ और सिर्फ फ्यूल जिस तरीके से आपकी कार चलती है बाइक चलती है आप डीजल पेट्रोल के ऊपर रिलाय करते हैं उसी तरीके से जो हमारे जो है लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं रॉकेट्स होते हैं जेट्स होते हैं इनको जो फ्यूल मिलता है उसको प्रोपल प्रोपलेंट कहा जाता है तो इनका प्रोपलेंट साथ होता है बट जेट जो है एयर से सक इन करता है ऑक्सीजन को और उसके बाद क्या कर पाता है दूरी तक जा पाता है इससे हमें दो चीजें पता चली क्या दो चीजें पता चली जो ऑक्सीजन खुद से कैरी कर रहा है यानी कि हमारा रॉकेट ओके जो ऑक्सीजन धरती से कैरी करता है हमारा रॉकेट वो ज्यादा दूरी तक जा सकता है वो क्या कर सकता है ज्यादा हाइट में जा सकता है यानी कि हमारे चाहे वो हमारा मिडल अर्थ ऑर्बिट हो हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट हो या हमारा हायर अर्थ ऑर्बिट हो बिल्कुल ऊंचाई तक जा सकता है क्यों क्योंकि उसके पास तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर है ना ऑक्सीडाइजर है तो उसे खतरा नहीं है डर नहीं है कि आगे चलकर अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो हम किस तरीके से जो है सस्टेन किया जाएगा बट ऑन दी अदर हैंड क्योंकि जेट के पास अपना ऑक्सीजन नहीं होता है अब आप खुद सोचिए स्पेस में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है स्पेस में तो कंप्लीट वैक्यूम है ना तो ये किस तरीके से फिर वर्क कर पाता है जेट जो होता है एटमोस्फियर से एयर को सक इन करता है एंड उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर अंदर तक ही रह पाता है बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं धड़ाम से गिर जाएगा ओके okay, तो ऑक्सीजन के लिए जो है सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है लोअर एटमोसफेयर तक और वहीं तक हमेशा हमेशा जेट बेस्ड टेक्नोलॉजी वर्क कर सकते हैं ज्यादा ऊंचाई पर हमें किसी को लॉन्च करना है तो हम रॉकेट को यूज करेंगे और अगर हमें अर्थ के लोअर एटमोसफेयर तक ही किसी भी जो है रॉकेट को या किसी सॉरी किसी सैटेलाइट को या किसी मिसाइल को लॉन्च करना है तो हम जेट को यूज करने वाले हैं क्लियर एवरी अब हम आगे बढ़ेंगे ये जेट और रॉकेट हमने समझ लिया ओके okay, एक है जो ऑक्सीजन साथ कैरी कर रहा है और एक जो है अपने ऑक्सीजन को एयर से कर रहा है अब हम समझते हैं बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में डिफरेंस ये समझना जरूरी था तभी जो है आपको समझ आएगा अब आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं अगर हम रॉकेट की बात करें तो हमारा जो अग्नि है हमारा पृथ्वी मिसाइल है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है ये कंप्लीटली रॉकेट के इंजन पर रिलाई करते हैं ऑन दी अदर हैंड जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है हमारी निर्भया मिसाइल है ये जेट बेस्ड इंजन के ऊपर रिलाई करते हैं या डिपेंडेंट है ओके okay? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं देखते हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल एग्जैक्टली है क्या सिंपल सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जिसको लॉन्च करने के लिए हम जो है रॉकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं हम क्या करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए हमेशा रॉकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं इसका मतलब क्या हुआ बैलिस्टिक मिसाइल ज्यादा ऊंचाई पर जा पाएगा बैलिस्टिक मिसाइल जो है ज्यादा टाइम तक स्पेस में रह पाएगा बैलिस्टिक मिसाइल जो है अपना ऑक्सीडाइजर साथ कैरी करके चलता है क्लियर है अभिवान अब दूसरी चीज यहां देखिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है अपने वॉर हेड्स को जो है प्री डिटरमाइन टारगेट्स पर भेजने के लिए आसानी से समझेंगे बैलिस्टिक मिसाइल जो है इस तरीके का एक पैराबोला पाथ जो है फॉलो करता है अब आप इस पैराबोला पाथ को आराम से देखिए सबसे ज्यादा हाइट कहाँ अटेन होगी सबसे ज्यादा जो है स्पीड कब ज्यादा होगी जब ये बैलिस्टिक मिसाइल को हम यहाँ से लेट से हमने यहाँ से लॉन्च किया और हमारा टारगेट यहाँ है तो अब हम किस तरीके से जो है जैसे ही हमने इसको लॉन्च किया धीरे 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 करके जो है पहले इसकी इनिशियल फेज में स्पीड हमेशा स्लो होती है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है इनिशियली जो है इसकी स्पीड स्लो होती है और जैसे ही एक पॉइंट ऐसा आता है जब अर्थ से इसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है इस डिस्टेंस को कहा जाता है एपोजी पॉइंट ओके क्या कहा जाता है एपोजी पॉइंट और जैसे ही एपोजी पॉइंट पर पहुंचता है इसके बाद इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है ढलान के टाइम पर जो है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा हो जाती है क्यों सबसे ज्यादा हो रही है ही बात है एक तो डायरेक्शन अपवर्ड से जो है डाउनवर्ड की तरफ आ रहा है और दूसरी चीज ग्रेविटी का पुल लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है आकर्षित कर रहा है जिस वजह से डाउनफॉल जो है बहुत फास्ट होता है बहुत स्पीड से जो है ये नीचे आकर गिरता है क्लियर एवरी तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है हमेशा दो से तीन तरीके की जो है स्पीड फॉलो करता है कॉन्स्टेंट स्पीड नहीं फॉलो करता है ओके अब अब एक और चीज़ है है है, को जो है, हम री भी कहते हैं। अब री कहते हैं। हैं? क्यों आराम से समझेंगे। ये ये हमारा है। ये हमारे फेयर का अंदर वाला पार्ट है जिसको एंडो एटमोस्फेयर कहा गया ओके यस एट दाइम ऑफ स्लोप अनुष्का दूसरी चीज क्या है यस प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है नेक्स्ट चीज क्या है आपकी नेक्स्ट है एटमोस्फेयर का जो अपर पार्ट है इसको कहा जाता है एक्सो एटमोस या फिर आउटर जैसे जैसे ही हमने से से यहां से अपना लॉन्च किया बैलिस्टिक मिसाइल तो क्या होगा जैसे ही जाएगा सबसे पहले एंडो एटमोस्फेयर को क्रॉस करेगा फिर एक्सो एटमोसफेयर में चला जाएगा यानी कि आउटर एटमोसफेयर में ओके इसके पास तो ऑक्सीजन है ना अपना तो इसे तो कितनी भी दूरी पर ले जा सकते हैं हम लोग आउटर एटमोसफेयर में जाएगा एपोजी पॉइंट पर पहुंचेगा एपोजी पॉइंट क्या है फार्देस्ट डिस्टेंस सबसे दूरी जहां पर जो है पृथ्वी से इसकी होगी यहां से पहुंचने के बाद होगा क्या जैसे ही ये स्लोप आएगा जैसे ही स्लोप आएगा सबसे ज्यादा जो है इसकी स्पीड हो जाएगी मैक्सिमम स्पीड होगी इसकी जब ये अर्थ की तरफ जो है इसका डाउनफॉल होगा रीजन क्या है भाई ग्रेविटी पुल कर रही है ऊपर से डाउनवर्ड टू अपवर्ड अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन है क्लियर एवरीवन फिजिक्स की प्रोजेक्टाइल वाली क्लास की याद आ गई ओके okay. अब आपको समझ आ गया होगा यहाँ से दैट बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है सबसे पहली चीज़ तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है एक बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहती एज वेल एज बैलिस्टिक मिसाइल जो है रॉकेट बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है बट व्हाट अबाउट क्रूज मिसाइल क्रूज मिसाइल पर आने से पहले समझ लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल हम आए दिन सुनते हैं आज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुआ आज सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुआ लेट्स सी डिफरेंस क्या है सारों के अंदर ओके भाई क्लास का लिंक शेयर करते जाइए इफ यू ऑल आर लविंग दिस क्लास अगर आपको जो है मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि बिल्कुल जो है एक ल्यूसिड मैनर में आप लोगों को समझा पाऊँ कि चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं साइंस के जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझ आएँ तो आप जो है बैलिस्टिक मिसाइल को देखते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल को हम दो भागों में बांटते हैं पहला होता है एक तो इनके नेचर के हिसाब से नेचर के हिसाब से इस पिक्चर को फॉलो दे, देखिए इस जो है आप एनिमेशन को देखेंगे किस तरीके से जो है ये अपने टारगेट को ढूंढकर उसके बाद हिट करेगा एक है हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल यानी कि हमारा मिसाइल जो है जब हमने लॉन्च किया है तो हम ग्राउंड पर है जिस जो हमें टारगेट हिट करना है वो भी ग्राउंड पर है ओके okay, टारगेट हिट करना है वो भी ग्राउंड पर है तो सरफेस से सरफेस पर ही जो है ये हिट करेगा क्लियर एवरीवन दूसरी चीज क्या है स्टार्टिंग स्पीड स्लो होती है इसकी स्टार्टिंग स्पीड स्लो होती है ना ऑब्वियसली बात है जब इनिशियली हम इसको लॉन्च कर रहे हैं तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल इसे अपनी तरफ खींचता है वो ऊपर जाना चाह रहा है बट ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचता है बट क्योंकि हाई प्रेशर रिलीज होता है तो वही न्यूटन का जो है थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जितना ज्यादा नीचे जो है प्रेशर रिलीज होगा उतना ज्यादा अपथ्रस्ट मिलता है और उतनी ऊंचाई पर ही जा पाता है दूसरा क्या है एयर टू एयर मिसाइल यानी कि इस पिक्चर को देखिए आपको क्लियर हो जाएगा एयर में हमारा जो है हमने लॉन्च किया है और एयर में ही हमारा जो है टारगेट है जिसको हमें मारना है खत्म करना है ढूंढ कर इस तरीके से जो है अपने टारगेट को हिट कर लेगा तीसरा क्या है तीसरा क्या है हमारा सरफेस टू एयर लेट्स से हमारा जो टारगेट uh, है हमारा टारगेट एयर में है और हमने जो है अपने मिसाइल को सरफेस से लॉन्च किया है सरफेस से टार्ग जो है हमने एयर में लॉन्च किया दिस इज कॉल्ड एज सरफेस टू एयर मिसाइल ओके क्लियर एवरी वन अब बढ़ते हैं आगे अब देखेंगे अपने बैलिस्टिक मिसाइल को रेंज के हिसाब से जो अभी हमने पहली पिक्चर देखी थी ना इस क्लास को स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो रशिया ने अपनी एक वीडियो क्लिप रिलीज की थी कि उन्होंने इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का जो है प्रशिक्षण किया है तो अब देख लेते हैं रेंज के हिसाब से पहला होता है हमारा ट्रेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि हमें शॉर्ट रेंज के लिए लॉन्च करते हैं कितनी शॉर्ट रेंज 300 किलोमीटर से हज़ार किलोमीटर के डिस्टेंस पर अगर हमारा एनिमी है अगर हमारा टारगेट है तो हम क्या यूज करेंगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दूसरा क्या है मीडियम रेंज जिसको थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है इसमें हमारा टारगेट कितनी दूरी पर होना चाहिए थाउजेंड किलोमीटर टू थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर के अगर जो है डिस्टेंस पर लाई करता है हमारा एनिमी तो हम क्या यूज़ करेंगे मीडियम रेंज थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल तीसरी चीज क्या है तीसरा है हमारा इंटरमीडिएट यानी कि लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंदर हमारे एनिमी की जो रेंज है दैट शुड बी 3500 टू 5500 किलोमीटर लगभग अगर 5500 किलोमीटर के रेडियस में है तो हम जो है इंटरमीडिएट लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करेंगे लास्ट क्या है हमारा लास्ट है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अभी रिसेंटली आपने सुना था अबाउट अग्नि फाइव मिसाइल ये अग्नि मिसाइल क्या है

टारगेट के हिसाब से नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्रूज मिसाइल अब ये क्रूज मिसाइल क्या होता है भाई सबसे मेजर जो डिफरेंस है दोनों के अंदर जो क्रूज मिसाइल है वो आपके जेट टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है क्रूज मिसाइल जो है वो जेट टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई करता है इंजन कैसा है इसका जेट बेस्ड है इट मींस ये अपना फ्यूल साथ लेकर कैरी करता है यानी कि प्रोपल्शन बट ऑक्सीजन के लिए एटमोसफेयर के ऊपर डिपेंडेंट है जितना ज्यादा ऑक्सीजन को सकिन करता चलेगा एयर के अंदर उतनी ज्यादा इसको स्पीड मिलती जाती है उतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट मिलता जाता है ये कंप्लीटली ऑक्सीजन के लिए जो है एयर के ऊपर डिपेंड करता है दिस इज द रीजन कि ये कभी भी जो है आउटर एटमोसफेयर को क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि आउटर एटमोसफेयर में तो ऑक्सीजन ही नहीं है ना फिर तो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा इसी वजह से जो क्रूज मिसाइल होते हैं हमेशा जो है आउटर सॉरी uh, हमारे इनर एटमोस्फेयर में भी जो है हम लोग लॉन्च करते हैं मैम फ्यूल इतना आवाज कैसे करता है अनुराग फ्यूल के ऊपर ना यानी कि आपके प्रोपेलेंट्स के ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जिसमें हम सेटेलाइट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम रॉकेट और जेट बेस्ड टेक्नोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे अलग अलग फ्यूल क्रायोजेनिक क्या है हाइब्रिड क्या है सॉलिड प्रोपल्शन क्या है किस तरीके से वर्क करते हैं अगले जो है सेशन में आपको कंप्लीट तरीके से जो है जेट और रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करनी आ जाएंगी फॉर श्योर ओके अग्नि फाइव की जो रेंज है अग्नि फाइव हमारी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इट मींस हम जो है 5500 किलोमीटर से ज्यादा पर अगर हमारा एनिमी है तो हम उसको यूज कर सकते हैं दूसरी चीज जो आप ध्यान रखेंगे क्रूज मिसाइल में क्रूज मिसाइल हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्पीड फॉलो करती है ओके okay, क्रूज मिसाइल क्या है पहला डिफरेंस हुआ कि जेट टेक्नोलॉजी है और दूसरी चीज क्या है ये हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्पीड फॉलो करती है दूसरी चीज आप ध्यान रखेंगे तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ साथ इनको जो है हम बहुत ऊंचाई पर लॉन्च करने के लिए अपने टारगेट को कभी यूज नहीं करते हैं, ओके कभी भी यूज नहीं करते हैं क्रूज मिसाइल के जो टाइप्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं जो आप सुनते भी होंगे जैसे कि हमने ब्रह्मोस के बारे में सुना है ब्रह्मोस टू के बारे में सुना है वो है हमारे हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल नेक्स्ट है हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एंड थर्ड इज सबसोनिक क्रूज मिसाइल ये सोनिक क्या है वट इज द सोनिक सोनिक है बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड ओके सोनिक क्या है स्पीड ऑफ साउंड तो इनकी जो हम गति यानी कि इनकी जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो साउंड के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं ओके okay. इनकी जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं वो ध्वनि के जो है गति के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं ओके नाउ लेट्स अब जो है ये हाइपरसोनिक सुपरसोनिक और सबसोनिक मिसाइल्स होते क्या है सबसे पहला है हमारा सबसोनिक, सबसोनिक सब सोनिक सब सोनिक यानी कि सब कैटेगरी का होता है सबसे जो है लो कैटेगरी का होता है इट मींस इसकी जो स्पीड है वो कितनी होती है इसकी स्पीड साउंड की स्पीड से हल्की कम होती है इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज वन मैक तो इसकी जो साउंड की स्पीड इसकी जो स्पीड होती है वो पॉइंट एट मैक होती है अगर ध्वनि की गति एक मैक है तो इसकी कितनी है पॉइंट एट मैक ओके आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा सुपरसोनिक। अब ये सुपरसोनिक क्या होता है सुपरसोनिक की जो स्प... आ, स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से दो से तीन गुना ज़्यादा होती है कितनी होती है टू टू थ्री मैक साउंड की स्पीड कितनी है वन मैक और इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी इनकी स्पीड जो है दो से तीन मैक की होती है यानी कि दो से तीन गुना ज़्यादा होती है अगला क्या है अब नेक्स्ट है हमारा हाइपरसोनिक जिनकी स्पीड कितनी है फास्टेस्ट इनकी स्पीड है सबसे ज्यादा दैट इज मैक फाइव यानी कि साउंड की स्पीड से पांच गुना ज्यादा जो है ये फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं दीज मिसाइल्स ट्रैवल फाइव टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड यानी कि फाइव मैक जो है इनकी स्पीड होती है क्लियर एवरी वन फटाफट बताइए क्लियर एवरी वन ओके इंडिया के पास हाइपरसोनिक है ऑब्वियसली इंडिया के पास ब्रह्मोस टू विच इज करेंटली जिसको अभी जो है बनाया जा बनाया जा रहा है रशिया के साथ जॉइंटली कोलैबोरेट करके दैट इज ब्रह्मोस टू वो हमारा हाइपरसोनिक ही तो है इफ़ यू टॉक अबाउट सुपरसोनिक तो सुपरसोनिक आपका ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हमारा और रशिया का जॉइंट वेंचर है जिसके बारे में अभी रिसेंटली भी हमने देखा अभी दो दिन पहले एक न्यूज़ थी आपकी और सब का एग्जाम्पल क्या है आपका निर्भया मिसाइल ओके okay? क्या है आपका निर्भया मिसाइल तो आई एम होपिंग ये सारी चीज़ें आपको जो छोटे छोटे डिफरेंसेस थे बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के बीच में जो है वो समझ आए होंगे उनके बीच में क्लैरिटी आई होगी फॉर मोर डिटेल आप जो है इसका स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ मैंने आपको डिटेल में ऐड किया है बेसिक डिफरेंस क्या है एक बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल के बीच में तो यहाँ से जो है आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी अब जो है हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिफरेंस देखेंगे अभी हमने मिसाइल्स देखे नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है हम सेटेलाइट टेक्नोलॉजी पर वर्क करेंगे समझेंगे डिटेल में कि कौन सी सेटेलाइट हमारी किस जो है फंक्शन के लिए हम लॉन्च करते हैं कौन से ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं कौन से लॉन्चिंग व्हीकल से जो है लॉन्च किया जाता है इन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे बिल्कुल इसी तरीके से ल्यूसिड मैनर में बट फॉर दैट आप लोग जो हो आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर मैंशन करेंगे कॉमेंट्स में तभी जो है हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा फ जो रियली वॉन्ट कि हमारी ये क्लासेस कॉन्टिन्यू रहें तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे और जो है चैनल को न्यू स्टूडेंट्स सब्सक्राइब भी करेंगे एंड एज वी ऑल नो दैट आज जो है हमारा इंटरनेशनल वीमेंस डे है तो इफ एनी ऑफ यू वॉन्ट्स टू क्वालिफाई अगर आप लोगों का रेजोल्यूशन है अगर आप लोगों ने थाना है दैट ट्वेंटी में आप सभी को जो है बिल्कुल इसी रॉकेट की तरह जो है फ्लाइंग कलर्स के साथ पास होना है तो आज जो है आप एनरोलमेंट ले सकते हैं हमारे वेरियस यूपीएससी स्टेट पीसीएस कोर्सेज के अंदर बैंकिंग के अंदर बाय यूजिंग द कोड वाई थ्री थ्री फाइव ओके कोड आप यूज करेंगे वाई थ्री थ्री फाइव आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड ऑन अवेलिंग द महापैक्स आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकेगा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच एवरी आई एम होपिंग दैट आप लोग जो हो इसी तरीके से कनेक्टेड रहोगे इसी के साथ साथ डेली एट ए एम वी हैव आर क्लास ऑन यू पी एस सी अडर ट्वेंटी फोर सेवन जहाँ पर मेला मेरा जो है डिटेल्ड एनालिसिस दा हिंदू का आता है तो उसके साथ भी आप लोग कनेक्टेड रहेंगे आई एल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू एट एट एम ऑन यू पी एस सी अडर ट्वेंटी फोर सेवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वॉट ब्लेस यू ऑल कीप लर्निंग गुड बाय एंड टेक केयर